नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया बिहार चैप्टर की ओर से शनिवार को दो दिवसीय एनुअल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन RSSDI बिहार एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों और देश के विभिन्न जगहों से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से किया। एनुअल कॉन्फ्रेंस में भागलपुर समेत देश के कई जगहों से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने डायबिटीज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए इस बीमारी को गंभीर बीमारी और समस्या बताया। चिकित्सकों ने कहा कि दुनिया भर में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ने की रफ्तार में अन्य देशों से तेज है। वहीं डॉक्टरों ने इससे बचाव के साथ इलाज और सावधानी बरतने से संबंधित बातों की जानकारी देते हुए कहा कि लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ हेल्दी लाइफ जीने के तरीके हमें सीखना होगा, जिससे अपने साथ समाज के लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जा सके। इसके अलावा नए रिसर्च और तकनीक के साथ इलाज की कई पद्धति की चर्चा करते हुए डॉक्टरों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा खान पान में साग सब्जी फल और सलाद का सेवन करने के साथ चिंता से बचने की बात कही गई। जबकि गाड़ी की बजाय अधिक पैदल चलने, नियमित रूप से व्यायाम करने, चीनी और कार्बोहाइड्रेट कम खाने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने पर चिकित्सकों ने बल दिया। वहीं इसको लेकर डॉक्टर कामरान खान ने बताया कि सोसाइटी की ओर से आयोजित वार्षिक कार्यक्रम के वैज्ञानिक सत्र में देश के जाने माने चिकित्सक अलग अलग जिलों और राज्यों से शामिल हो रहे हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज बीमारी से जुड़े पुराने अनुभव के आधार पर वर्तमान और भविष्य को लेकर कई जरूरी उपाय और सुझाव दिए गए। डॉक्टर कामरान खान ने बताया कि इलाज की कई तकनीक और रिसर्च पर चर्चा कर इसके मरीज की बढ़ती संख्या में कमी लाने की अहम जानकारी भी एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में मधुमेह बीमारी से ग्रसित करीब 8 करोड़ मरीज है, जो काफी चिंता का विषय है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में करीब 8% और शहरी क्षेत्र में इसके मरीजों की संख्या करीब 15% है। डॉक्टर कामरान ने बताया कि भागलपुर में 14% की रफ्तार से मधुमेह के मरीज की संख्या बढ़ रही है और देश में हर 9वां व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए हम सभी को जागरूक होकर चिकित्सकों के परामर्श को ध्यान में रखना होगा। हमारे डायबिटीज के लिए एक संस्था है RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। ये हमारे उसके बिहार चैप्टर का वार्षिक कार्यक्रम है, एनुअल कार्यक्रम है। यहाँ सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में वैज्ञानिक सत्र हो रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए, नई नई तकनीक बताने के लिए डायबिटीज़ की और डायबिटीज़ को डिस्कस करने के लिए, ताकि आम जनमानस को अच्छे ढंग से इलाज किया जा सके इस बीमारी का। तो ये कॉन्फ्रेंस डायबिटीज़ को ही डेडिकेटेड है, जिसको मधुमेह भी कहते हैं और चीनी की भी बीमारी कहते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शनिवार को भागलपुर दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भागलपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों और अडानी के नाम पर प्रधानमंत्री की दोहरी नीति लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, जबकि न्यायपालिका का दुरुपयोग कर फर्जी केस का सहारा लेकर उनके नेता राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने केंद्र सरकार के गलत नीतियों का जमकर विरोध करते हुए मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल किया और नरेंद्र मोदी को देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि अपने को युग पुरुष बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी के लिए जो कर रहे हैं, उससे उनका राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। वहीं जिला प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी बम प्रीत ने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है, तब से देश में नफरत बोने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबर इमाम, ज्योति सिंह, मोहम्मद हाजी अख्तर हुसैन, बंटी यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी सरकार के दमनात्मक जो है, जो नीति है, जो तानाशाही है, उसके विरोध में आज और जो गुंडागर्दी मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, राहुल गांधी जब बोलते हैं अडानी के बारे में तो उनका माइक को बंद कर दिया जाता है, यहां तक कि जो है संसद की कार्रवाई जो है उसको बंद कर दी जाती है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है इस तरह की जो आवाज जो है वो कैसे दबाया जाता है, जो है अब हम लोग जो है ने सोचा है, कांग्रेस ने सोचा है कि हम लोग उग्र रूप से इसका जो है विरोध करेंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 31 जो है तारीख से जो है
भारत सत्याग्रह नाम से जो है हम लोगों ने एक जो है ये किया है, और उसी के विद इन द फ्रेमिंग जो है हम लोग तमाम प्रखंडों में जाएंगे, तमाम जो है जनता को बताएंगे कि ये अडानी क्या है या मोदी क्या है। लोकतंत्र की हत्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अड़ियल रवैया, और देश में जो उनके कारण जो ये स्थिति पैदा हो गई है उसको लेकर आज कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को युग पुरुष कहा जाता है, और कहा जाता है कि अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, अपने भाई के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, तो आज क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ, बीबी का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, वो अडानी के लिए मर रहा है। इतना बड़ा रिपोर्ट आ गया हिंडनबर्ग का, उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अडानी ही जो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही अडानी है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत तिलकपुर पंचायत के निवासी दिनेश मिश्रा के पौत्र और शैलेश कुमार मिश्रा के पुत्र अंशुद आनंद ने बिहार बोर्ड की परीक्षा में गणित विषय में 100 नंबर प्राप्त कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इसको लेकर अंशु आनंद के चाचा निर्दोष कुमार मिश्रा ने बताया कि अंशु को गणित में काफी रुचि रही है और यह परिणाम भी उसकी योग्यता को दर्शाता है, जिससे सभी घर वाले और क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि गांव में ही ट्यूशन पढ़कर उसने यह सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए उसके शिक्षक सज्जन सर भी बधाई के पात्र हैं। इधर भाजपा नेता मनोरंजन कुमार मिश्रा ने भी अंशु आनंद के साथ उसके शिक्षक की भरपूर सराहना की। बता दें कि तिलकपुर हाई स्कूल के छात्र अंशु आनंद को उसकी सफलता पर पूर्व प्रधानाध्यापक गोविंद सिंह समेत सभी ग्रामीण भी अंशु आनंद के सफलता से काफी प्रसन्न दिखाई दिए और सभी उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। चैती नवरात्रि पूरा होने के बाद शनिवार को भागलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर नम आंखों से मां को विदाई दी। इस दौरान सड़कों पर भक्ति और फिल्मी धुनों पर युवा थिरकते दिखे, जबकि वासंती नवरात्र में कम प्रतिमा होने के कारण भीड़ भी जहाँ कम दिखाई दी और प्रतिमाओं का विसर्जन भी अलग अलग जगहों पर किया गया। वहीं इससे पूर्व मंदिर और पूजा पंडालों में कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा वैदिक मंत्रोच्चार और सप्तशती पाठ कर की गई। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677474018। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नरगा कोठी चंपानगर स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर और पूरनमल सावित्री देवी वाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर में शनिवार को 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, विभाग से प्रमुख विनोद कुमार, आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा और शिशु मंदिर के प्रभारी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि कार्यशाला में विगत सत्र के खामियों की समीक्षा कर क्रियात्मक कार्य पर ही बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए सत्र की योजनाओं का निर्माण करना ही कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से परस्पर सहयोग के भाव का विकास, समर्पण, सृजनात्मकता, समरसता, नवीनता और सद्भावना के साथ शैक्षिक तकनीक की जानकारी देना है। साथ ही इस प्रकार की योजनाओं से ही छात्रों का सर्वांगीण विकास करने की बात प्रधानाचार्य ने कही। इधर कार्यशाला के प्रथम दिन अजय कुमार, दीपक कुमार झा, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर संजीव कुमार झा एवं प्रभारी राजेश कुमार ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर छात्रों के विकास के लिए अपनी बात रखी। कार्यशाला में उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र, डॉक्टर संजीव कुमार झा, शशि भूषण मिश्र के अलावा विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत वार्ड संख्या 2 में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर करहरिया नवयुवक कला परिषद कन्या विद्यालय प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित
उचित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुल्तानगंज थाना प्रभारी कन्हैया झा ने फीता काट कर किया। इस दौरान पूर्व मुखिया विभूति भूषण सिन्हा और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष का स्वागत अंग वस्त्र एवं फूल माला से किया। वही थानाध्यक्ष कन्हैया झा ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से मनोरंजन के साथ बच्चों की प्रतिभा भी सामने आती है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश नेतृत्व की ओर से इंजीनियर रवि कुमार को भागलपुर इंटक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं अपने मनोनयन के बाद रवि कुमार ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल, राष्ट्रीय महासचिव हौसला प्रसाद, बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के प्रति आभार व्यक्त किया है। इंटक जिलाध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। वहीं इसको लेकर भागलपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक चौबे, मुकेश कुमार, अभिषेक कुमार, पिंटू समेत कई कार्यकर्ताओं ने रवि कुमार को बधाई दी। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री हौसला प्रसाद शर्मा जी, बिहार के प्रभारी डॉक्टर राजेश शर्मा जी, इन सभी के आदेशानुसार मैं ओम प्रकाश उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष के अनुशंसा पर कांग्रेस इंटेक के तमाम पदाधिकारियों और कोर कमेटी ने भागलपुर के जिला अध्यक्ष के पद पर श्री रवि कुमार जी को मनोनीत किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।